Swayam Prabha, Digital India, Educated India. विद्यार्थियों मैं डॉक्टर मनीषा गोस्वामी सहायक प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा आपका विपणन प्रबंधन के आज के पाठ्यक्रम में स्वागत करती हूं आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं व्याख्यान संख्या 18 की जिसमें हमारे व्याख्यान संख्या का शीर्षक है वितरण प्रबंधन भाग 2 भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था भाग 2 को शुरुआत करने से पहले एक बार उस पर हम नज़र डाल लेते हैं और फिर हम शुरुआत करेंगे आज के भाग दो की भाग एक में हमने वितरण प्रबंधन की अवधारणा को समझा था वितरण मिश्र के किस कितने महत्व हैं उनकी सराहना की थी हमने वितरण विभिन्न चैनलों की चर्चा करी थी हमने कौन कौन से ऐसे चैनल हैं जिनका उपयोग करके वितरण किया जा सकता है बिचौलियों की भूमिका महत्व और उनके प्रकार को समझने की हमने कोशिश करी थी एक बार देख लेते हैं कि हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था और क्या समझा था जल्दी से समझ लेते हैं कि वितरण प्रबंधन क्या था पिछले अध्याय में वितरण प्रबंधन के बारे में हमने पिछले अध्याय में जाना था कि ये प्लेस सही उत्पाद सेवा को बेचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सही कीमत पर सही समय पर सही ग्राहक तक समाग को पहुंचाने की प्रक्रिया यानी वितरण प्रबंधन में हमारा जो पहला जो ध्यान या हमारा जो पूरा का पूरा फोकस किस तरफ केंद्रित होता है हमारा पूरा का फोकस इस तरफ केंद्रित होता है कि की सही कीमत पर सही समय पर सही ग्राहक तक अपने सामान को हम पहुँचा सकें यानी कि प्लेस वितरण प्रबंधन पूरा का पूरा आ, किस पर केंद्रित है प्लेस पर सही जगह पर हमारा सामान सही समय पर सही उपभोक्ता तक पहुंच जाए इसके लिए बहुत सारी ऐसी श्रृंखलाएं हैं जो जोड़ती हैं इस प्रक्रिया को संभव होने के लिए जैसे कि अगर हम बात करें आपूर्तिकर्ता से सामान निर्माताओं तक पहुंचता है निर्माता उसका उत्पादन करता है उत्पादन करने के बाद निर्माता करता अपने उपभोक्ताओं तक सामान पहुँचाने के लिए कुछ बिचौलियों की मदद लेता है और अपने उपभोक्ता तक सामान को पहुँचाता है इस वितरण के कार्य में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है स्थान जहाँ पर हमारा उपभोक्ता बैठा है जहां पर हमारा उपभोक्ता मांग कर रहा है चीजों की अगर उस स्थान पर ना पहुँच किसी और स्थान पर अगर आपका सामान पहुंच जाता है तो वितरण आपका बेकार है आपने वो जो आपने मेहनत करी सामान को उस जगह तक पहुंचाने की जहां पर आपका उपभोक्ता बैठा ही नहीं है तो क्या फ़ायदा हुआ आपको यह भी जानना होगा कि जिस स्थान पर मेरा उपभोक्ता बैठा है उसी स्थान पर मेरे सामान की उपलब्धता होनी चाहिए तो स्थान की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है जो कि बताता है आपका लक्षित उपभोक्ता कहाँ पर है साथ स्थान के साथ साथ जिस समय उपभोक्ता उस चीज़ की मांग करे उस समय वो उपलब्ध हो रात को अगर बारह बजे दवाई की जरूरत है रात को बारह बजे अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो वो सेवा हम उसे प्रदान कर पाए जिस समय जो इमरजेंसी आए जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो अगर सेवा हमारे उपभोक्ता को समय नहीं मिलती है तो हमारा निर्माता कर हमारा निर्माण करना हमारे उत्पाद का निर्माण करने या उत्पाद को कर बनाने की कोई ही, आ, कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है तो हमें कोशिश ये करनी होगी जिस समय मेरा उपभोक्ता मेरी सेवा की या मेरे उत्पाद की मांग करे उस समय वो सेवा या उत्पाद मेरे उपभोक्ता तक पहुँच जाए उसको अधिकार मिले उस सेवा को लेने का या उत्पाद को ख़रीदने का अपने घर लेके जाने का अगर वो दवाई खरीदना चाहता है तो वो दवाई खरीद के अपने घर ले जा सकता है उसका अधिकार उसका पोजेशन मेरे उपभोक्ता तक पहुंचना चाहिए जो कि एक अहम हिस्सा बन जाता है वितरण प्रबंधन का वितरण प्रबंधन के दौरान हमने समझने की कोशिश करी थी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा कि विपणन प्रबंधन का क्या अर्थ है वो क्या मान्य रखता है किस तरीके से उपभोक्ता के मन में हम एक अच्छी जगह और उसकी संतुष्टि को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर हम सही तरीके से वितरण करते हैं तो जैसे कि उन्होंने बताया था कि वितरण उपभोक्ताओं के लिए विपणन उत्पाद को ले जाने के कार्य को संदर्भित करता है वो ये बताता है कि किस तरीके से सामान एक जगह से दूसरी जगह से पहुँच और उस जगह पर उपभोक्ता तक वो किस तरीके से पहुँचेगा इस, इस सारी प्रक्रिया को वो कहते हैं वितरण प्रबंधन वितरण प्रबंधन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि हमारे जो उत्पादन हम कर रहे हैं उस उत्पादन को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए हमें कितने बिचौलियों की ज़रूरत होगी यानी कि थोक विक्रेता बीच में आएंगे एजेंट्स बीच में आएंगे या फिर खुदरा विक्रेता बीच में आएंगे या फिर हम अपने खुद के रिटेल आउटलेट्स बाज़ार में खोलेंगे जिससे कि हम अपना सामान डायरेक्ट अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचा सके तो उसके लिए हमें जानना होगा कि वितरण प्रबंधन की क्या आवश्यकता है ये ज़रूरी क्यों है पहले उसे जान लेते हैं जैसे कि अगर बाजार में क्या गिरावट हो रही है बाजार की मांग में क्या वृद्धि अच्छा क्योंकि जो उत्पाद और दे रही है, उसको क्या कितनी उसकी मांग बढ़ रही है बाजार में कितनी गिरावट हो रही है उसकी जानकारी उसको वितरण के द्वारा पता चल जाती है क्योंकि थोक विक्रेता उसे बहुत सारी ज्ञान दे देता है कि उपभोक्ता क्या कह रहा है उपभोक्ता किस तरीके की मांग रखता है तो खुदरा विक्रेता से थोक विक्रेता को जानकारी मिलती रहती है इसी प्रकार आप अपनी एक सही विपणन की रणनीति को डिज़ाइन कर सकते हैं कार्यान्वित कर सकते हैं ताकि एक अच्छी रणनीति से आप बाज़ार में आ पाएं। और अपने प्रतिस्पर्धियों की अपेक्षा आप अपने सामान को ज़्यादा नजदीक अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचा पाए आप विभिन्न प्रकार की सेवाएं अपने उपभोक्ता को दे सकते हैं अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें आफ्टर सेल सर्विस दे सकते हैं सेल सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं जिससे उपभोक्ता आपकी ओर आकर्षित हो हमने ये भी जाना था कि कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनके जरिए डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है हमने ये जाना था कि एक माध्यम ऐसा है जहाँ पर प्रोड्यूसर सीधे अपने उपभोक्ताओं से जुड़ जाता है एक माध्यम ऐसा है जिसमें प्रोड्यूसर के बाद रिटेलर यानी कि आपके खुदरा विक्रेता आ जाते हैं खुदरा विक्रेता के बाद आपके उपभोक्ता आते हैं एक माध्यम ये है जहाँ पर आप प्रोड्यूसर हैं आप निर्माता हैं निर्माता के बाद आता है थोक विक्रेता थोक विक्रेता के बाद आता है खुदरा विक्रेता खुदरा विक्रेता के बाद आता है उपभोक्ता तो ये अलग अलग चैनल हैं अलग अलग माध्यम हैं जिनके जरिए आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने उत्पादन के नेचर को जानते हुए यानी कि आप किस तरीके का उत्पाद तैयार कर रहे हैं वो किस तरीके का है वो कितना कॉम्प्लेक्स है वो कितना सिंपल है उसके बल पर आप निर्णय ले सकते हैं कि कौन से माध्यम का आपको उपयोग करना चाहिए अपने उत्पाद को आ, अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसके बाद हमने जाना था कि कितने प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं यानी कितने प्रकार के हमारे वितरण के चैनल हैं जैसे कि एक प्रत्यक्ष चैनल है अप्रत्यक्ष चैनल है प्रत्यक्ष चैनल में हमने जानने की कोशिश करी थी जब कंपनियों के पास में बहुत बड़ा मार्केट शेयर नहीं है वो सीधे अपने उपभोक्ताओं से जुड़ना चाहते हैं तो डोर टू डोर सेलिंग करते हैं जैसे कपड़ों के व्यापारी डोर टू डोर सेलिंग करते हैं कुछ बर्तनों के व्यापारी भी डोर टू डोर सेलिंग करते हैं तो उनके लिए कुछ मशीनों के व्यापारी भी जो नई नई छोटी छोटी मशीनें बना रहे हैं वो भी डोर टू डोर सेलिंग करके अपने उपभोक्ताओं तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं ये तभी संभव है जब आपका जोग्रफ़िकल लोकेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है उसके बाद हमने जाना था पिछले व्याख्यान में कि इंटरनेट के द्वारा भी बिक्री की जाती है इंटरनेट के द्वारा बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने उत्पादन को लिस्ट करती हैं अपनी खुद की वेबसाइट बनाती हैं उस पर अपने उत्पाद को लिस्ट करती हैं जो उपभोक्ता है उन्हें देखता है और अपनी मांग को दर्ज कराता है आपको ऑर्डर प्लेस करता है ऑर्डर प्लेस करने के लिए वो मेल ऑर्डर भी हो सकता है ऑर्डर प्लेस करने के लिए वो डायरेक्ट उसी लिंक पर क्लिक करके आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है कंपनियां कई बार अपने खुद के आउटलेट बाज़ार में खोलती हैं जो कि एक महंगा महंगा सौदा बैठता है अगर कंपनियों की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है या फिर छोटा निर्माता है छोटा प्रोड्यूसर है जिसके पास इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है तो वो बिचौलियों के बल पर अपने सामान को उपभोक्ताओं तक पहुँचा सकता है मगर अगर बहुत पुराना निर्माता है जो कई सालों से बाजार में है उसके पास इकनॉमी ऑफ स्केल वो इंजॉय कर रहा है तो बिल्कुल आसान होगा उसके लिए अपना खुद का आउटलेट ओपन करना और अपने उपभोक्ताओं तक अपने सामान को पहुंचाना। इसके अलावा आता है टेली मार्केटिंग यानी टेली मार्केटिंग में आप अपनी एक एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाते हैं जहां पर कुछ लोग आपके पोटेंशियल कस्टमर को या पोटेंशियल जो आपके उपभोक्ता हैं उनको कॉल करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या उन्हें इन सेवाओं की या इस तरीके के उत्पाद की कोई आवश्यकता है या नहीं है जैसे बहुत सारे प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं इस तरीके की टेली कॉलिंग करते हैं कोल्ड कॉलिंग करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उपभोक्ताओं को उनके सामान की आवश्यकता है भी या नहीं है कई बार हम देखते हैं टेलीकॉलिंग में हम क्रेडिट कार्ड को बेचते हैं बैंक की सेवाओं को बेचने की कोशिश करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने की कोशिश करते हैं कई बार हम कोल्ड कॉलिंग में देखते हैं बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी शॉप्स की कंपनियां ज्वेलरी शॉप ने भी अपनी टेली कॉलिंग की डिपार्टमेंट ओपन कर रखा है जिसमें वो बताते हैं कि हमारी ज्वेलरी अब सस्ती हो गई है या फिर नए नए प्रकार की हमारे यहाँ पर ज्वेलरी आई है तो इस तरीके से करके आप अपने उपभोक्ता के मन में इच्छा को जागरूक भी करते हैं और उसे नई नई सुविधाओं के बारे में या नई नए डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में अवगत कराते हैं ताकि आपका जो उपभोक्ता आपकी ओर आकर्षित हो और अपनी मांग को वो आपसे दर्ज करा सके तो ये हुआ डायरेक्ट चैनल जहाँ पर आप सीधे संपर्क साधते हैं अपने उपभोक्ता के साथ में दूसरा आता है अप्रत्यक्ष चैनल अप्रत्यक्ष चैनल में आप सीधे अपने उपभोक्ता से संपर्क नहीं साध पाते हैं आप इसमें बीच में कुछ बिचौलियों को लेकर के आते हैं जैसे कि हमने पिछले व्याख्यान में जाना था कि पहले स्तर पर हो सकता है कि प्रोड्यूसर रिटेलर तक जाए रिटेलर से वो सीधे आपके कस्टमर के पास जा रहा हो प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर के पास जा रहा हो फिर रिटेलर के पास फिर कस्टमर के पास हो सकता है प्रोड्यूसर के बाद वो एजेंट के पास जा रहा हो एजेंट से होल के पास होलसेलर के बाद रिटेलर के पास और फिर उपभोक्ता के पास में जा रहा हो तो इस तरीके के कुछ आप चैनल का जो जैसे ही आपका उपभोक्ता और जो आपका उपभोक्ता है और जो आपका निर्माता है उनके बीच में जैसे ही दूरी हो जाती है वैसे ही उसे उसे हम क्या कहते हैं उसे हम बोलते हैं कि प्रत्यक्ष चैनल अगर उपभोक्ता सीधे अपने प्रोड्यूसर या निर्माता से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है तो उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष चैनल जहाँ पर प्रोड्यूसर सीधे अपने कस्टमर से जुड़ता है डोर टू डोर सेलिंग के माध्यम से हो या इंटरनेट बिक्री के माध्यम से हो मेल ऑर्डर के माध्यम से हो या खुद के अपने आउटलेट ओपन करने के माध्यम से हो या टेली मार्केटिंग के माध्यम से हो प्रोड्यूसर जब अपने उपभोक्ता से सीधे संपर्क साधता है उसे हम प्रत्यक्ष चैनल कहते हैं जब वो सीधे अपने उपभोक्ता के साथ में संपर्क नहीं साध पाता निर्माता उत्पादन करता तो बीच में आ जाते हैं बिचौलिए है, जिन्हें हम बोलते हैं खुदरा विक्रेता रिटेलर को बोलते हैं थोक विक्रेता हमारे होलसेलर हैं एजेंट्स हैं जो हमारे होलसेलर और रिटेलर से भी पहले आ जाते हैं और उसके बाद हमारा उपभोक्ता आता है पिछले व्याख्यान में हमने ये भी जाना था कि एजेंट मिडिलमैन का क्या अर्थ है वो क्या वो किस तरीके की पोजीशन रखते हैं बाजार में कितनी ओनरशिप लेते हैं तो हमने दोनों के बीच में जो अंतर समझा था वो ये समझा था कि एजेंट बिचौली के पास में कभी भी किसी भी सामान की कोई ओनरशिप नहीं होती उनका काम होता है प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर और उपभोक्ता को आपस में जोड़ना यानी कि एजेंट बीच में क्या काम करता है वो अलग अलग उपभोक्ताओं को ढूंढता है और उपभोक्ताओं को जानकर उनकी ज़रूरतों को समझकर वो रिक्वायर्ड कस्टमर को किसके से जोड़ता है निर्माता निर्माताकर्ता से जोड़ता है जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया था पिछले अध्याय में जो बिल्डर हैं एक बिल्डर बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई है और बिल्डर ने जो बहुत सारी बिल्डिंग अपनी मान लीजिए एक इंदौर में बना के रखी हुई है एक उसने आपकी भोपाल में बना के रखी हुई है उसने कानपुर में अपनी बिल्डिंग बनाकर रखी हुई है इस तरीके से उसकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं अलग अलग लोकेशन में तो एजेंट का क्या काम है एजेंट का काम है इन सब के बारे में पूरी जानकारी होना एजेंट को इन सब की पूरी जानकारी रहती है वो जानता है कि कहाँ कहाँ पे बिल्डर्स ने अपनी बिल्डिंग बनाई है और वो इस इन लोकेशन के डिफरेंट डिफरेंट जो उपभोक्ताएँ हैं उनसे संपर्क साधता है वो लोगों से कॉल करके भी जान सकता है कि आप कहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं इंदौर की प्रॉपर्टी की मे ये मार्जिन चल रहा है या इंदौर की प्रॉपर्टी में ये बढ़त होने वाली है कानपुर की प्रॉपर्टी में ये बढ़त होने वाली है भोपाल की प्रॉपर्टी में ये बढ़त होने वाली है वो सही उपभोक्ता को ढूंढ कर सही जगह पर कनेक्ट कर देता है मान लीजिए उसे एक उपभोक्ता मिलता है जो भोपाल में ज़मीन ख़रीदना चाहता है या भोपाल में घर खरीदना चाहता है उसको उस भोपाल के बिल्डर के साथ में जोड़ देता है उसे पता चलता है कि कानपुर में ख़रीदना चाहता है बिल्डर एक ही है उसने अलग अलग अपने बिल्डिंग बना रखी है इस्टेब्लिशमेंट कर रखा है तो वो अलग अलग प्रॉपर्टी को सेल करने में बिल्डर की मदद करता है और इसके लिए उसे क्या मिलता है कमीशन मिलता है उसी तरीके से हमने पिछले व्याख्यान में समझा था कि जो व्यापारी बिचौली हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं असल में उनके क्या कार्य हैं वो क्या क्या काम करते हैं जिससे कि जो निर्माता करता है जो उत्पादन करता है उसे फ़ायदा मिलता है अपने उपभोक्ताओं को सही सामान पहुँचाने में वो असेंबली करने में मदद करते हैं वो डिस्पर्जन करने में मदद करते हैं उनके ख़ुद के अपने गोदाम होते हैं वो यातायात में मदद करते हैं वो कई बार उधारी में सामान देते हैं वो पूरा का पूरा रिस्क उठाते हैं अगर मान लीजिए सामान ख़राब हो जाए चोरी हो जाए सड़ जाए तो उसका जोखिम सारा का सारा कौन उठाता है व्यापारी उठाता है ग्रेडिंग और नई पैकेजिंग करने में भी कई बार थोक विक्रेता अपना अपना नाम कमाते हैं और वो काफ़ी मदद करते हैं निर्माता को इस सही क्वालिटी में और सही क्वान्टिटी में उपभोक्ता तक सामान को पहुँचाने में उसके साथ हमने जाना था कि थोक विक्रेता द्वारा निर्माताओं को प्रदान की जाने वाली बहुत सारी सेवाएं जैसे सबसे अहम सेवा ये रहती है कि थोक विक्रेता के द्वारा निर्माताओं को पता लग पाता है कि उत्पादन को में क्या क्या बदलाव लेकर के आना है क्योंकि थोक विक्रेता सीधा खुदरा विक्रेता से जुड़ा हुआ होता है और खुदरा विक्रेता सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ होता है और उपभोक्ता की, की पसंद में नापसंद में क्या बदलाव आ रहा है उसके बारे में खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता को बताता है थोक विक्रेता निर्माता को बताता है निर्माता इसकी मदद से अपने उत्पादन की योजना में क्या बदलाव लेकर के आता है वो अनुसंधान करता है रिसर्च करता है कि किस तरीके से मैं नया नया उत्पादन करूँ ताकि मेरा उपभोक्ता मेरी ओर ज़्यादा आकर्षित हो तो सबसे अहम जो हमें थोक विक्रेता से मदद मिलती है निर्माता होने के नाते वो ये है कि उपभोक्ता के बारे में जानकारी हमें मिलती है उसके बाद हमने जाना था कि थोक विक्रेता के द्वारा खुदरा विक्रेताओं को क्या क्या फ़ायदा होता है सबसे जो अहम चीज़ है वो खुदरा विक्रेता को अनावश्यक रूप से बड़े अनुपात में माल का स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब उसे चाहिए तब वो थोक विक्रेता के गोदाम से सामान उठवा सकता है और जो दूसरा उसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि उसे अपना सारा का सारा पैसा उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है यानी कि उसे क्रेडिट पर सामान मिल जाता है खुदरा विक्रेता को क्रेडिट पर सामान मिल जाता है थोक विक्रेता से यानी उधारी पर मिल

ये दो अहम चीज़ें हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी मदद थोक विक्रेता अपने खुदरा विक्रेता के लिए करते हैं वो नए नई चीज़ों के बारे में उन्हें बताते हैं जो निर्माता उत्पादन कर रहे हैं उसके बारे में भी उन्हें वह अवगत कराते रहते हैं इसके अलावा हमने जाना था कि कितने प्रकार के थोक विक्रेता हैं जैसे कि सामान्य माल थोक विक्रेता है सामान्य माल थोक विक्रेता हर तरीके का सामान अपने पास रखता है छोटी छोटी क्वान्टिटी में उसके अलावा हमने जाना था कि सीमित लाइन थोक विक्रेता है जो एक जैसी चीज़ एक ही कंपनी का रखेंगे अलग अलग कंपनियों का सामान नहीं रखेंगे तो उनके पास में सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस होता है एक कंपनी का सामान रखने का जैसे एशियन पेंट का अगर सामान है तो सिर्फ एशियन पेंट का ही सामान आपको दुकान में मिलेगा बाकी और पेंट की कंपनी का सामान आप वहाँ पर नहीं मिलेगा पेंट हो गया या फिर सीमेंट हो गया और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो सिर्फ पेंट रखते हैं तो विभिन्न प्रकार की कंपनियों के पेंट अपने यहाँ पर रखते हैं बर्जर का भी रखते हैं सिम एशियन पेंट का भी रखते हैं अलग अलग कंपनियों के पेंट को अपने यहाँ पर रखते हैं तो वो सीमित लाइन के थोक व्यापारियों में ही आते हैं जो एक जैसी चीज़ में ही डील करते हैं और सामान्य माल थोक व्यक्ति व्यापारी अलग अलग चीज़ों को अपने पास रखते हैं मगर उसमें ज़्यादा उनके पास डिटेलिंग नहीं होती है ज़्यादा वराइटी नहीं होती है कैश एंड कैरी थोक व्यापारी जैसे कि वॉलमार्ट हमारे देश में ये पहले नहीं प्रचलित था अब ये बहुत प्रचलित हो चुका है कैश एंड कैरी जहाँ पर आप ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीद सकते हैं ऑनलाइन वॉलमार्ट के जरिए ट्रक थोक व्यापारी वो व्यक्ति हैं जो अपना सामान अपने जो खुदरा विक्रेता हैं उनके पास खुद पहुंचाते हैं जैसे हमने पिछले व्याख्यान में आपको एग्जांपल दिया था ब्रेड के ट्रक आते हैं मॉर्निंग में मिनी वैन्स आती हैं या फिर बाइक पे या फिर बैटरी रिक्शा में लोग सप्लाई करते हैं ब्रेड को दूध को पानी को कोल्ड ड्रिंक्स को तो ये सब हमारे खुद खुदरा विक्रेता तक थोक विक्रेता के द्वारा सामान पहुँचाए जाने की तरीका है जिसमें ट्रक हो सकता है मिनी वैन हो सकती है मोटरसाइकिल हो सकती है बैटरी रिक्शा हो सकता है जिसके द्वारा एक थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी तक समय पर अपना सामान पहुंचाने की कोशिश करता है ड्रॉप शॉपिंग जैसे कि हमने जाना था ऑनलाइन शॉपिंग है जहां पर सब लोग अपनी अपनी लिस्टिंग कर देते हैं और अमेजोन के जरिए बहुत सारे खुदरा व्यापारियों को फायदा मिल रहा है थोक व्यापारियों को फायदा मिल रहा है क्योंकि उनका सामान उसकी वेबसाइट की ईजी होने की वजह से बहुत अच्छा और फ्लॉलेस और यूजर फ्रेंडली होने की वजह से बहुत सारे खुदरा व्यापारी की रीच बढ़ गई है पूरे देश में पहले उनकी दुकान मान लीजिए एक एक शहर में थी उस शहर के अलावा अब उनके पास जो ऑर्डर आ रहे हैं बाकी के अन्य शहरों से भी आने लगे हैं क्योंकि उन्होंने अपना सामान कहाँ पर लिस्ट कर दिया अमेज़ोन पे लिस्ट कर दिया है या फिर फ़्लिपकार्टे या मिंत्रा पर आपने अपना सामान को लिस्ट कर दिया है जिससे आपकी जो रीच है वो तो डिफ़रेंट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन में फैल गई है एजेंट और दलाल सामान खरीदने अगर कोई उनसे सामान ख़रीदता है या उपभोक्ता को वो कन्विंस कर लेते हैं कोई भी उत्पाद को ख़रीदने के लिए तो वो उसका बीच में कमीशन लेते हैं हमने पिछले व्याख्यान में खुदरा विक्रेता के बारे में भी जाना था खुदरा विक्रेता क्या है वो सीधे संपर्क में रहता है किसके उपभोक्ताओं के तो आमतौर पर ये छोटे लॉट में सामान को बाज़ार में बेचता है इनका क्या कार्य रहता है ये उपभोक्ताओं की संभावित मांग का अनुमान लगाते हैं ये उपभोक्ता विभिन्न प्रकार के सामानों का असेंबली भी करते हैं ताकि उपभोक्ताओं को अच्छे से अच्छा सेवा प्रदान कर सकें ये उपभोक्ताओं के स्वाद के बारे में उनकी पसंद के बारे में नापसंद के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं ये विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते हैं किसको उपभोक्ताओं को सबसे ज़्यादा अहम जो सेवाएं उपभोक्ता को चाहिए वो चाहिए जानकारी की कि सार इतने सारे बाज़ार में उत्पाद हैं उन सारे बाज़ारों में सबसे बढ़िया उत्पादन कौन से निर्माता कर रहा है किसके उत्पाद में कौन सी गुणवत्ता है कौन सा उत्पाद मेरे लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी रहेगा कौन सा उत्पाद है जिसका उपयोग करके मुझे सबसे ज़्यादा मुनाफा या फ़ायदा हो सकता है ये सस्ते दाम में मुझे बढ़िया चीज़ मिल सकती है बाकी के प्रतिस्पर्धियों की अपेक्षा तो इस तरीके की जानकारी कौन देता है उपभोक्ताओं को खुदरा विक्रेता खुदरा विक्रेता डायरेक्ट संपर्क में रहता है उपभोक्ताओं के और उपभोक्ताओं को पूरी संतुष्टि देने की कोशिश करता है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करता है उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इतने सारे उत्पादों में से सबसे बढ़िया उत्पाद किसका है कई बार खुदरा विक्रेता के अपना खुद का भी एक निजी कारण भी हो सकता है हो सकता है कि निर्माता करता ने उसे कमीशन दे रखा हो कि मेरा सामान जितना बिकवाओगे उतना कमीशन आपको दिखेगा तो कई बार वो अपने कमीशन के चलते भी बहुत सारी चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हैं अपनी दुकान पर तो आपको उपभोक्ता होने के नाते थोड़ा सतर्क भी रहना पड़ेगा और आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका खुदरा विक्रेता किस मंशा से किसी उत्पाद की तारीफ कर रहा है जो अगर हम इसका पॉजिटिव साइड देखें तो हमें जानकारी मिलती है बहुत सारी चीज़ों की वैरायटी हमें मिलती है खुदरा विक्रेता पूरी कोशिश करता है कि विभिन्न प्रकार की वैरायटी अपनी दुकान पर रख सके जैसे कि अगर साबुन की बात हो साबुन की वैरायटी रखेगा टूथपेस्ट की बात हो तो टूथपेस्ट की बहुत सारी वरायटी अपने पास रखेगा ताकि उपभोक्ता उसकी दुकान पर आए तो खाली हाथ ना जाए उसे ये नहीं चाहिए तो दूसरा ब्रांड मिल जाएगा दूसरा नहीं चाहिए तो तीसरा ब्रांड मिल जाएगा तो इस तरीके की सेवा प्रदान करने की कोशिश करता है खुदरा विक्रेता साथ के साथ खुदरा विक्रेता क्रेडिट का भी विस्तार करता है यानी आपको उधार ही पर भी देता है अगर आपके उसके साथ में बहुत ज़्यादा आपका आना जाना है उस दुकान पर कई सालों से आपका आना जाना चल रहा है खुदरा विक्रेता आपको अच्छी तरीके से जानता है समझता है तो वो हो सकता है कि आपको क्रेडिट पर भी सामान देना शुरू कर दे इसके अलावा हमने जाना था कि विभिन्न प्रकार के कौन कौन से रिटेलर हैं जैसे हमने जाना था विभागीय स्टोर है विभागीय स्टोर के बारे में हमने जाना था हमने मल्टीपल स्टोर के बारे में जाना था जहाँ पर बहुत तरीके के चेन स्टोर होते हैं यानी कि एक पूरी के पूरे देश में बहुत सारी चेन फैली हुई है जैसे ली मैरिडन के होटल की अगर हम बात करें तो हमारे देश में भी विदेशों में भी भी है लेमन ट्री की हम बात करें तो पूरे देश में वो फैला हुआ है डी स्कूल की बात करें तो हमारे देश में भी है विदेशों में भी है तो इस तरीके से चेन ओपन करना सी, -सी की अगर हम चेन की बात करें तो पूरे देश में वो फैला हुआ है चेन स्टोर हैं उसके सुपरमार्केट में हम हर तरीके का सामान देख पाते हैं जिसमें अगर हो अगर आप कहें ग्रॉसरी ग्रॉसरी का सामान ग्रॉसरी के साथ साथ आप हेवी कंज्यूमर गुड्स भी खरीद सकते हैं वहाँ पर तो आ जाते हैं सुपरमार्केट में डिस्काउंट रिटेलर पूरी कोशिश करते हैं उपभोक्ता को अपनी दुकान की ओर आकर्षित करने के लिए तो पूरी कोशिश करते हैं कि सस्ते से सस्ते दाम में वो आपको सामान दे पाएँ तो वो अपने बैनर लगा लेते हैं फ्लैक्स लगा लेते हैं जिसमें वो लिखते हैं फिफ्टी परसेंट फ्लैट डिस्काउंट बाय वन गेट वन बाय टू गेट वन इस तरीके के डिस्काउंट दे करके खुदरा विक्रेता अपने उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं गोदाम खुदरा विक्रेता के खुद के गोदाम होते हैं जिसमें वो अपना आउटलेट को ढंग से डिज़ाइन नहीं करते हैं वो सिर्फ कोशिश करते हैं वेबसाइट के जरिए अपने उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लिए फ़्रेंचाइजी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है खुदरा विक्रेता का मॉल शॉपिंग सेंटर ऑनलाइन रिटेलिंग गैर स्टोर खुदरा विक्रेता इन सब विभिन्न प्रकार के खुदरा विक्रेताओं के बारे में हमने चर्चा करी थी पिछले अध्याय में और अब हम जानते हैं अपने आज के अध्याय के बारे में आप समझते हैं कि हमने आज के अध्याय में हमने क्या पढ़ना है और क्या सीखना है चलिए आज के अध्याय की ओर हम जानते हैं कि ये हमारा पिछला अध्याय था अब आज के अध्याय में हम क्या क्या जानेंगे हम जानेंगे कि जो रिटेलर है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कौन कौन से चैनलों का वो उपयोग करते हैं किन कारकों के बल पर हमारे चैनल का जो वितरण का चैनल है उस पर असर आते हैं फर्म द्वारा नई अपनाई गई नई वितरण रणनीति को कैसे आ, सुचारू रूप से चालू किया जाता है कैसे रणनीतियों को बदला जाता है किस तरीके से निर्माता अपने परम ग्राहक के बीच में एक अच्छा संपर्क और एक अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाता है इसके बारे में आज हम जानेंगे आइए शुरुआत करते हैं फैक्टर्स ऐसे कौन-कौन से कारक हैं जो ये बताने में है, मदद करते हैं कि हमें कौन से माध्यम का चयन करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम का कैसे कौन से माध्यम का हमें चयन करना चाहिए तो यह निर्भर करता है कुछ चीजों पर जैसे कि उत्पाद संबंधी कार, कारक सुनिश्चित करते हैं कि आपका उत्पाद कैसा है उसके बल पर निर्धारित होगा कि आपको कौन से चैनल का या माध्यम का उपयोग करना चाहिए वितरण करने के लिए यानी उत्पाद की प्रकृति कैसी है नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो कैसा है अगर आपका जो प्रोडक्ट आप बना करके तैयार कर रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स है वो बहुत जटिलता से भरा हुआ है अगर आपका उत्पाद तो बहुत जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा बिचौलिए बीच में नहीं रखने हैं आपको कोशिश करनी है आपका उपभोक्ता सीधे या तो आपके पास आए या बहुत हो गया तो एजेंट के पास आ जाए अगर उसकी जटिलता होने के बावजूद आपने उसमें बहुत सारे बिचौलिए जोड़ दिए तो उपभोक्ता कंफ्यूज हो जाएगा और हो सकता है वो आपसे सामान ना खरीदे तो अगर आप चाहते हैं उपभोक्ता कंफ्यूज ना हो आपकी उत्पाद की जटिलता के कारण या नेचर ऑफ प्रोडक्ट के कारण तो आपको कम से कम अपने बिचौलिए बीच में रखने होंगे अगर आपको दिखता है कि आपका जो उत्पाद है उसकी प्रकृति ख़राब होने वाली है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है या फिर वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है अगर मान लीजिए आपका आपका जो उत्पाद है उसकी प्रकृति है जल्दी ख़राब होने की अगर वो जल्दी ख़राब होता है तो बीच में बहुत सारे बिचौलिए हैं तो उसकी सड़ने की आशंका बढ़ जाती है और अगर उसकी प्रवृत्ति ख़राब ना होने की है तो अगर ज़्यादा बिचौलिए भी होंगे तो आपके ऊपर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आपको देखना होगा कि उत्पाद की प्रकृति कैसी है खराब होने वाले में आपको छोटी वितरण चैनल का उपयोग करना होगा और अगर ना खराब होने वाली है तो आप लंबी वितरण चैनल का उपयोग कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बिचौलिए हो सकते हैं उत्पाद का मूल्य अगर आप चाहते हैं उत्पाद का मूल्य ज़्यादा ना बढ़े आपका क्योंकि आपकी यूनिट ऑफ कॉस्ट जो लगी थी वही अपने आप में बहुत ज़्यादा है मान लीजिए उत्पाद करते करते आपका जो प्रोडक्शन है उसकी ही कॉस्ट यीबन पाँच सौ के आसपास बैठ रही है और अगर बहुत सारे बिचौलिए बीच में आ जाएंगे तो हो सकता है ये आठ सौ तक अपारे उपभोक्ता तक पहुँचे तो आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो आप कम छोटी ये छोटे बिचौलिए यानी कि छोटा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको अपनाएंगे ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा दाम ना बढ़े बहुत हो गया तो छः सौ तक तक बढ़े से ज़्यादा वो बाज़ार में ना बढ़े इसके अलावा कंपनी के लक्षण अगर कंपनी की वित्तीय शक्ति या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है तो कंपनी अपने खुद के आउटलेट्स ओपन कर लेगी जिससे कि निर्माता सीधे किसके संपर्क में आ जाएगा उपभोक्ता के संपर्क में आ जाएगा और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको हो सकता है बीच में बहुत सारे ऐसे बिचौली हैं जिनको लेना पड़े क्योंकि आपकी खुद की वित्तीय कंडीशन अच्छी नहीं है नियंत्रण अगर आप चाहते हैं फुल कंट्रोल बना के रखने करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट संपर्क में बन के रहना चाहेंगे अपने उपभोक्ता के साथ में अगर आप चाहते हैं कि नियंत्रण इतना बड़ा अहम मुद्दा नहीं है तो आप अपने उत्पादन को अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए या उत्पाद को अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए कुछ बिचौलियों को बीच में रख सकते हैं इसके बाद आता है प्रतिस्पर्धी कारक कॉम्पिटिटिव फैक्टर यानी कि आप ये देखते हैं कि आपके प्रतिस्पर्धियों ने कौन सा चैनल का उपयोग किया है वितरण करने के लिए आपको दिखता है कि आपके प्रतिस्पर्धियों ने भी बहुत अच्छे चैनल का उपयोग किया है तो आप उसकी कॉपी करते हैं और वो सेम चैनल का उपयोग करते हुए आप अपने सामान को अपने उपभोक्ता तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं बाज़ार भी एक कारक हो सकता है जिसमें आप बाज़ार के आकार को देखते हैं अगर आपको दिखता है कि बाज़ार का आकार बहुत बड़ा है बहुत ज़्यादा जोग्रफ़िकल लोकेशन में आपकी फैल फैले हुए हैं तो आप डायरेक्ट संपर्क में उपभोक्ता के नहीं आ सकते अगर जब तक कि आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है यानी कि आप खुद के आउटलेट्स ओपन नहीं कर सकते बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जैसे रेमेंड्स हो गया हल्दीराम हो गया इनके खुद के रिटेल आउटलेट हैं तभी संभव हो पाया है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है भले ही बड़ा बाजार का आकार क्यों ना हो अगर आपका बाज़ार का आकार बहुत बड़ा है और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो बीच में बिचौलिए आएंगे और अगर बाजार का आकार छोटा है तो बिना बिचौलियों के भी आप सीधे अपने उपभोक्ता से संपर्क साध सकते हैं भूगोलिक एकाग्रता यानी आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन में ही रहना चाहते हैं आप जोग्राफिकल लोकेशन में आप सीधे जैसे अगर आप कहते हैं नॉर्दर्न इंडिया में ही हम फोकस करना चाहते हैं तो सारे के सारे जो आपके बिचौली होंगे वो कहाँ के होंगे वो नॉर्दर्न इंडिया के ही होंगे क्योंकि आपका जो टारगेट कस्टमर है वो नॉर्थ इंडिया से है ख़रीदी गई मात्रा कि कितनी मात्रा में सामान आपसे खरीदा जा रहा है अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदा जाएगा आप ये चाहते हैं तो उसके लिए आपको होलसेलर बीच में चाहिए अगर आप चाहते हैं आपसे कम छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान खरीदा जाए तो रिटेलर बीच में आता है और अगर आप चाहते हैं कि एक एक सामान भी हम खरीद बेचने के लिए तैयार हैं तो सीधे आप उपभोक्ता के संपर्क में भी आ सकते हैं तो आपको देखना होगा कि कितनी मात्रा में आप सामान को बेचने के लिए तैयार हैं आप चाहते हैं कि बड़ा सा बड़ा लॉट एक बार में जाए ताकि हमारा रिस्क फैक्टर कम हो जाए या फिर आप छोटा छोटा सामान देने के लिए तैयार हैं या फिर इतना हैवी कंज्यूमर ड्यूरेबल है कि आप एक एक यूनिट भी बेचने के लिए तैयार हैं तो निर्भर करता है इस पर फिर उसके हिसाब से आप अपने बिचौलियों को तय कर सकते हैं इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजी यानी वितरण रणनीतियाँ क्या क्या हैं इन्हें समझ लेते हैं सबसे पहला आता है गहन या जन वितरण रणनीति गहन अगर अगर आपको दिखता है कि आपके प्रतिस्पर्धी बहुत ज़्यादा बाजार में फैले हुए हैं और आपके प्रतिस्पर्धी की बहुत गहरी पैठ बन चुकी है उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में और उपभोक्ता ज़्यादातर उन्हीं का सामान खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं और बाज़ार में निकलते उन्हीं का सामान खरीदने के लिए हैं तो अगर आप चाहते हैं कि अगर भले ही मेरा उपभोक्ता घर से निकलता उस आ, मेरे प्रतिस्पर्धी का सामान खरीदने के लिए मगर जब शेल्फ पे वो मेरी उत्पादन को देखेगा या फिर मेरे उत्पाद की पैकेजिंग को देखेगा या जब विक्रेता उसके बारे में अच्छी अच्छी चार बातें बोलेगा तो मेरी ओर भी वो आकर्षित हो सकता है तो इसके लिए आप एक गहरी रणनीति को तैयार करते हैं एक ऐसी रणनीति को तैयार करते हैं जो आपकी प्रतिस्पर्धियों को दिमाग में रखते हुए होती है और आपके उपभोक्ता की मानसिकता को भी ध्यान में रखते हुए आप अपनी रणनीति को तैयार करते हैं आप एक चयनात्मक रणनीति भी बना सकते हैं एक सेलेक्टिव स्ट्रैटेजी बना सकते हैं आप हो सकता है कि आप चयन करें कि इस में कि लोकेशन में मेरी रणनीति ये रहेगी दूसरे जोग्राफिकल लोकेशन में मेरी रणनीति दूसरी रहेगी जगह के चेंज सर, सर, होने से होने से उपभोक्ताओं के बदलाव जगह के बदलने से उपभोक्ताओं के व्यवहार में बदलाव आता है और उनके व्यवहार में बदलाव आने के हिसाब से आप अपनी रणनीतियों को बदल सकते हैं आप ये देख सकते हैं कि थोक विक्रेता का व्यवहार कैसा है आपका जो खुदरा विक्रेता है उसका व्यवहार कैसा है उसके बल पर आप अपनी रणनीति को सेट कर सकते हैं बदल सकते हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की रणनीति बना सकते हैं इसके अलावा आप अनन्य रणनीति यानी एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं जिससे कि आप अपने वो थोक विक्रेताओं को या फिर खुदरा विक्रेताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं ऐसी एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि जितनी ज्यादा आप हमारी बिक्री कराएंगे उतनी ज़्यादा आपको कमीशन दिया जाएगा जितना ज्यादा आप हमें मुनाफा दिलवाएंगे उतना ज्यादा हम आपको बेनिफिट्स देंगे पर्क देंगे तो इस तरीके के कुछ अगर आप अपने थोक विक्रेताओं या खुदा विक्रेताओं के साथ में कुछ डिस्काउंट या कुछ बेनिफिट साझा करते हैं तो वो भी आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपका सामान खरीदने की आपका सामान बड़ी संख्या में वो आपसे खरीद लेते हैं और साथ के साथ आगे के उपभोक्ताओं को भी आपके बारे में वो अहम जानकारी देने की अहम भूमिका निभाते हैं इसके अलावा आते हैं चैनल के सिस्टम चैनल के क्या क्या प्रणाली है उसे समझते हैं जैसे कि एक होता है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में सबसे पहले आपका प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर चाहता है मेरे नीचे आएगा होल सेलर होल सेलर चाहता है मेरे नीचे आएगा रिटेलर और फिर उसके बाद आएगा उपभोक्ता और प्रोड्यूसर पूरी कोशिश करता है होल सेलर और रिटेलर को अपने कंट्रोल में रखने की अपने हिसाब से उनको सारी चीज़ें सिखाता है अगर उनसे कुछ ना कुछ डिस्काउंट या उनके साथ बेनिफिट शेयर कर रहा है तो एक टिकल सिस्टम बना के रखते हैं जिसमें वो अपना कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं होल रिटेलर पर और जब जब तक कि वो सामान अल्टीमेट कस्टमर तक ना पहुँच जाए आपकी उपभोक्ता तक ना पहुँच जाए व एक तरीके का कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं वो एक एग्रीमेंट भी कई बार अपने उपभोक्ताओं से या अपने थोक विक्रेता से या रिटेलर से साइन करा लेते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आप हमारी कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी का सामान अपनी दुकान पर नहीं रखेंगे तो ऐसी बहुत सारी एक्सक्लूसिव मार्केट हमें देखने को मिलती हैं जो कि सिर्फ़ एक ही ब्रांड का सामान बाज़ार में बेचती हैं अगर आप लेवाइस की दुकान पर जाते हैं तो सिर्फ लेवाइस की ही जीन्स आपको वहाँ पर मिलेंगी शर्ट्स मिलेंगी टी शर्ट्स मिलेंगी दूसरी कंपनी का सामान वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा उसी तरीके से अगर आप वेनोसन में जाते हैं तो वेनुसन का ही सामान वहाँ पर आपको मिलता है तो इस तरीके का वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम जहाँ पर प्रोड्यूसर कोशिश करता है अपने होलसेलर को कंट्रोल करने की रिटेलर को कंट्रोल करने की जब तक कि सामान उपभोक्ता तक नहीं पहुँचता है उन्हें तरीक तरीके के कमीशन और बेनिफिट देकर को उनके अपने में रिझाने की कोशिश करता है या फिर वो उनसे एग्रीमेंट साइन करवाता है जिससे कि वो लीगली बाउंड हो जाते हैं आपके साथ उस तरीके का व्यवहार रखने के लिए इसके अलावा आता है हमारा हॉरिजॉन्टल विपणन प्रणाली हॉरिजॉन्टल विपणन प्रणाली में क्या है कि कंपनियां अपने से अलग दूसरी कंपनियों के साथ टाई अप करती हैं या फिर जॉइंट वेंचर करती हैं जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने गूगल के साथ टाई अप किया है वो एक रोबोटिक सर्जरी में एंटर होना चाहते हैं कि किस तरीके से हम एक बेहतर रोबोटिक रोबोट्स के जरिए सर्जरी करवा सकते हैं या फिर लोगों की हेल्थ केयर सेक्टर में हम मदद कर सकते हैं तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी गूगल के साथ मिलकर इस तरीके का नया उत्पाद बनाने में लगी हुई है उसे क्या बोलते हैं हॉरिजोटल मार्क सिस्टम। एक और उदाहरण से समझते हैं कि नाइक कंपनी ने एप्पल कंपनी के साथ में वेंचर किया है इसके जरिए आप, तो कि आप, कितना, कितना आप चल लिए हैं कितना आपका हार्ट रेट है आपका ब्लड प्रेशर कितना है आपने कितना कैलोरी बर्न कर लिया है आपकी एनर्जी लेवल क्या है तो ये सारी डिटेल आपके हैं सारी डिटेल आ जाएगी तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम जिसमें दो आ, आ, जो कि आपस में प्रतिस्पर्धी नहीं हैं एप्पल कंपनी अलग काम करती है नाइकी कंपनी अलग काम करती है ये दोनों आपस में प्रतिस्पर्धी नहीं है ना ही प्रतिद्वंदी हैं दोनों का अपना अलग अलग सेगमेंट है वो दोनों मिलकर एक नया उत्पाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सके उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम इसके अलावा आता है हाइब्रिड मार्केटिंग सिस्टम जैसा कि नाम बताता है हाइब्रिड मार्केटिंग सिस्टम में क्या होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बन जाता है हाइब्रिड यानी कि वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम प्लस हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम जब आप इस तरीके का उत्पाद बना के तैयार कर लेंगे तो आप चाहेंगे कि वो एक्सक्लूसिव आउटलेट के थ्रू आपके उपभोक्ताओं तक पहुँचे अगर आपने कुछ इस तरीके का उपकरण बना के तैयार कर लिया या नाइक की कंपनी ने इस तरीके के जूते बना के तैयार कर लिए हैं जो कि आई पर पूरी देंगे कि कितना हम चल रही हैं जिस तरीके से स्मार्ट वॉच काम करती है उस तरीके से शूज की सारी डिटेल आपके आईपॉड पर आएगी एप्पल के तो वो आप चाहेंगे कि एक्सक्लूसिव शोरूम्स हो ऐसे रिटेल आउटलेट हो जो कि सिर्फ हमारे उत्पाद का वितरण करें हमारे उत्पाद का बाज़ार में प्रचार प्रसार करें तो वो उसमें आप इस पर वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम पर भी आ जाते हैं यानी इसे बोलते हैं हाइब्रिड मार्केटिंग सिस्टम जहाँ पर हम दोनों को एक साथ देखते हैं वर्टिकल को भी और हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम को भी इसके बाद आते हैं समझते हैं कि जब आप अलग अलग माध्यम का उपयोग करते हैं तो कोई ना कोई संघर्ष या फिर कन्फ्लिक्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने की संभावनाएं बनते हैं जब दो लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं तो कई बार ये भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके सुझाव से या फिर आपने जो तरीका अपनाया है या जो रणनीति बनाई है उससे वो संतुष्ट ना हो तो बीच में क्या होगा कन्फ्लिक्ट होगा संघर्ष होगा तो आइए समझते हैं कौन कौन से लेवल के संघर्ष हो सकते हैं जैसे कि वर्टिकल चैनल संघर्ष हो सकता है जो एग्रीमेंट आपने एज अ प्रोड्यूसर अपने होल uh, सेलर के साथ में साइन किया है या फिर होल सेलर ने अपने रिटेलर के साथ साइन किया है उसमें कुछ ना कुछ कमियां हो जो कि क्लियर स्टेटमेंट ना देती हो जिसकी वजह से ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और आपस में आपका जो रिलेशन है वो बिगड़ जाए जिसकी वजह से आप अपने आप अपना सामान को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में क्या हो जाए विफल हो जाए हॉरिजोंटल चैनल संघर्ष कई बार जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने गूगल के साथ में जॉइंट वेंचर किया है स्टाब कंपनी इस तरीके का करती है हॉरिजॉन्टल चैनल का उपयोग करती है तो कई बार हमारा जिसके साथ में हमने जॉइंट वेंचर किया है उसके साथ हमारी मानसिकता ना बैठे या उसके साथ काम करने का या उसकी कार्यशैली का जो तरीका है जो हमारी कार्यशैली का तरीका है उसमें विभिन्नताएँ हों जिसके कारण हमें लगे कि हम साथ में काम नहीं कर सकते तो हो सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए मल्टी चैनल अगर संघर्ष हो रहा है मल्टी चैनल संघर्ष है यानी कि हर एक लेवल पर अगर हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हमारा रिलेशन इस्टैब्लिश नहीं हो सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो तुरंत हमें उस कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व करके एक नई और दूसरी कंपनी के साथ में अपना रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहिए रादर देन उसी कंपनी के साथ में समय वेस्ट करने के अलावा तो अगर हमारे चैनल्स में कहीं ना कहीं कोई संघर्ष है कोई कमी है या तो हम उसके साथ में अपने रिलेशन को डिज़ोल्व कर दें या फिर हम ये पता लगाएं कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं आपस में हम डिस्कशन कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हम कम करने की कोशिश करते हैं जितना हम बात करेंगे एक दूसरे से उतना शायद हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और दोनों जो भिन्न कंपनियाँ हैं क्योंकि एकदम अलग अलग कंपनियाँ आएगा जैसे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का अलग काम है और गूगल का अपना अलग काम है दोनों एकदम विभिन्न है दोनों का नेचर ऑफ़ वर्क अलग है का क्वालिटी ऑफ मैन पावर एकदम अलग है तो दोनों को एक एक साथ काम करने के लिए बहुत हद तक अपने सोच विचार को भी साझा करना होगा ताकि लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ बढ़िया बेहतर तरीके से काम कर पाए अगर कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं अगर कोई संघर्ष है कुछ कंपनियों के बीच में तो हम उसके कारण को भी समझना चाहिए उन कारणों को समझ के हमारे लिए बहुत लाभकारी हो जाता है कि किस तरीके से इन कारणों को दूर करें कई बार कंपनियाँ अपने कॉज को ही नहीं फाइंड आउट कर पाती कि क्या कारण था जो कन्फ्लिक्ट हुआ क्या कारण था जिसकी वजह से डिफ्रेंस ऑफ ओपिनियन हुआ दो आ, दो होल के बीच में या फिर हमारे जो थोक विक्रेता या फिर हमारे जो खुदा विक्रेता है उनके बीच में क्या कारण था जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हुआ तो हमें फ्लिक्ट को समझना बहुत जरूरी है कारण को समझना बहुत जरूरी है तभी है हम उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन दे पाएंगे जैसे कि सबसे पहला आता है भूमिका स्पष्टता आपको बहुत क्लियर करना होगा कि आपका क्या रोल है आपकी क्या भूमिका है आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ में बताना होगा एक थोक विक्रेता को कि क्या आपकी क्या भूमिका रहेगी एक खुदरा विक्रेता को कि आपकी क्या भूमिका रहेगी अगर आप सबकी भूमिकाएं निर्धारित कर देते हैं तो उनके लिए भी बहुत आसान हो जाता है अपना मूल्यांकन करना कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और साथ के साथ आपके लिए भी बहुत आसान हो जाता है उन सारे थोक विक्रेताओं खुदा विक्रेताओं का मूल्यांकन करना कि ये सही काम कर रहे हैं या नहीं इनको कमीशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए इन्हें वो सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए साथ ही असंगत लक्ष्य यानी कि कई बार कंपनियों के बीच में अगर इनकम्पैटिबल गोल है यानी कि एक होलसेलर अपनी अलग सोच के साथ में चल रहा है या फिर जिसके साथ में आपने जॉइंट वेंचर किया है उस वो कंपनी अलग सोच के साथ में चल रही है और आप अलग सोच के साथ चल रहे हैं तो आपका हॉरिजोनटल मार्केटिंग कन्फ्लिक्टराइज हो जाएगा अगर आप चाहते हैं कि दोनों एक सोच के साथ आगे बढ़ें तो आप लोगों को एक साथ बैठ बातचीत करनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने कॉमन गोल को बना सकते हैं यानी कि हम अपने लक्ष्य को साझा कर सकते है अगर हम एक जैसा काम करना चाहते हैं जैसे हमने एग्जाम्पल आपको दिया था नाइक कंपनी ने एप्पल के साथ में जॉइंट वेंचर किया है ताकि वो इस तरीके के जूतों का निर्माण कर सकें शूज का निर्माण कर सकें जो कि आईपॉड में डिटेल्स देंगे कि आपका हार्ट रेट क्या है आपका ब्लड प्रेशर क्या है आपकी पूरी जो बॉडी हेल्थ है उसके बारे में आपको डिटेल्स देंगे तो उसके लिए आपको एक कॉमन लक्ष्य बनाना होगा और अगर असंगत लक्ष्य होगा यानी कि वो कुछ और सोच रहे हैं आप कुछ और सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंफ्लिक्ट होगा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा और आपका साथ में काम करना मुश्किल हो जाएगा तीसरा कारण हो सकता है कन्फ्लिक्ट का कि जहाँ पर आपकी अनुचित मार्केटिंग की रणनीतियाँ हो अलग अलग कंपनी का अपना अलग अलग तरीका हो मार्केटिंग करने का हो सकता है कि जो आपका होल सेलर है विक्रेता है वो इस तरीके से आपका प्रचार प्रसार कर रहा हो कि उपभोक्ता के मन में एक अलग इमेज क्रिएट हो रही हो और कंपनी एक अलग इमेज क्रिएट करना चाहती है तो आपको अपने होल को बताना होगा या फिर जो भी आपका थोक विक्रेता है या फिर आपका खुदरा विक्रेता है उन्हें समझाना होगा उनके साथ में आपको मीटिंग करनी होगी उन्हें बताना होगा कि आप आपको इस इस तरीके का विज्ञापन करना है इस तरीके से आपको हमारी कंपनी का प्रचार प्रसार करना है ताकि इस तरीके की इमेज उपभोक्ता के मन में हमारे ब्रांड को लेकर के डेवलप हो उनके दिमाग में जो छवि पैदा हो रही है आज की डेट में थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता के ज़रिए वो एकदम अलग है उस उस इमेज के कंपेरिजन में जो कंपनी अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रही है जो कि एक बहुत नुकसानदायक हो सकता है एक निर्माता के लिए तो आपको अपने उपभोक्ताओं के साथ में अगर आप चाहते हैं कि उन उपभोक्ताओं के मन में सही इमेज ट्रांसफ़र हो थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता के जरिए तो अगर कहीं पर भी मिसअलाइनमेंट है तो उसके लिए आपको बैठ के बात करनी चाहिए और उनके परसेप्शन को भी क्लियर करना चाहिए बाजार की धारणा में अंतर जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका खुदरा विक्रेता और थोक विक्रेता की अपनी रणनीति है आपकी अपनी रणनीति है तो वो किस में किस 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 तौर पर नज़र आएगी बाजार में बाज़ार की धारणा में अंतर आएगा यानी उपभोक्ता जो सोच रहा है वैसा आप दिखाना नहीं चाहते हो उपभोक्ता वैसा क्यों सोच रहा है क्योंकि जो थोक विक्रेता है और जो खुदरा विक्रेता है वो उनको वैसा सुझा रहा है तो आपको देखना होगा कि बाज़ार में धारणा में अंतर क्यों आ रहा है उसके पीछे कारण क्या है उस कारण को आपको दूर करना होगा चेंज रजिस्टेंस कई Bye. निर्माता कुछ बदलाव करना चाहता है अपने उत्पाद में अपने उपकरणों में अपनी चीज़ों में जिसकी वजह से खुदरा विक्रेता या थोक विक्रेता उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें अपने पूरे के पूरे गोदाम में बदलाव करना हो सकता है हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन के तरीके में बदलाव करना पड़े हो सकता है उन्हें अपने कुछ कोल्ड स्टोरेज खोलने पड़े क्योंकि वो सामान अब पैरिशेबल नेचर का हो गया आसानी से खराब हो सकता है सड़ सकता है पहले वो ऐसा सामान नहीं था जो आसानी से खराब हो जाए सड़ जाए तो बहुत सारे बदलाव खुदरा विक्रेता या थोक विक्रेता को करने पड़ सकते हैं जिसकी वजह से वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं बट निर्माता के लिए बहुत अहम है वो चेंज को लेकर आना वो बदलाव को लेकर आना क्योंकि उपभोक्ता की मांग बदल रही है तो आपको अपने खुदरा विक्रेता को या थोक विक्रेता को समझाना होगा कि आप ये क्यों बदलाव लेकर के आ रहे हैं और इस बदलाव को लाने के पीछे आपका क्या लक्ष्य है जिससे कि खुदरा और थोक विक्रेता भी आपके कॉन्फिडेंस में आ जाए और उस चेंज को वो एक्सेप्ट कर लें अगला कारण हो सकता है अनुचित भूगोलिक या फिर जनसंख्यय की वितरण यानी कि डेमोग्राफिक जो आपका सिलेक्शन किया है या सेगमेंट का जो आपने सिलेक्शन किया है वो सही सिलेक्शन ना किया हो।, हो सकता है कि आपने गलत एज के वर्ग के लोगों को आप टारगेट कर रहे हो सकता है आप गलत इनकम के वर्ग के लोगों को टारगेट कर रहे हो सकता है आप गलत व्यवसाय के वर्ग के लोगों को टारगेट कर, कर रहे हो तो आपको ये देखना होगा जिसके लिए आपने उत्पादन किया है तो क्या ये वो सही भूगोलिक है ये सही भूगोलिक दृष्टिकोण से सही जगह पर हमारा सामान पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है क्या इसका जो डेमोग्राफिक वेरिएबल है वो उससे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अगर आपको दिखता है कि आपका डेमोग्राफिक वेरिएबल मैच नहीं कर रहा है तो बहुत जाहिर सी बात है आपको उसके अंदर बदलाव करना होगा तो अपनी वितरण की पॉलिसी को चेंज करना होगा सही जगह पर सामान को पहुँचाना होगा इन कारणों को जानने के बाद आइए समझते हैं हम इन कारणों को कैसे कम और कर सकते हैं हालांकि जब हम इन कारणों को डिस्कस कर रहे थे तब तो आपको बताया अभी किस तरीके से आप इन कारणों को कम कर सकते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं जिनके ज़रिए आप अपने आपसी मतभेदों को जो आपके मतभेद हो रहे हैं बिचौलियों के साथ में या फिर दूसरी कंपनी जिसके साथ आपने टाइप किया है उसके साथ में उसको आप कैसे कम कर सकते हैं इसके लिए मध्यस्थता की ज़रूरत है कूटनीति की ज़रूरत है आप लोग आपस में बैठें बातचीत करें या आप एक थर्ड पार्टी न्यूट्रल को भी नियुक्त कर सकते हैं कि आप आइए हम दोनों कंपनियों के बीच में मतभेद है हम दोनों लोगों के बीच में मतभेद हो रहा है आप बैठिए हमें सुनिए और बताइए कि कौन गलत है तो अगर न्यूट्रल पार्टी के सामने आप अपनी प्रॉब्लम को रखते हैं क्योंकि न्यूट्रल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है ना नाइक कंपनी के साथ में ना एप्पल कंपनी के साथ में उदाहरणता बता रहे हैं आपको या फिर जॉनसन कंपनी के साथ में या फिर दूसरी गूगल कंपनी के साथ में अगर उसका कोई लेना देना नहीं है तो वो अपना एक बिल्कुल निष्पक्ष अपना विचार रख सकते हैं कि कौन गलत है किसकी गलती है और अगर किसी की गलती नहीं है तो किस तरीके से काम को किया जाना चाहिए क्या रणनीति होनी चाहिए वो उसको सेट करने में आपकी मदद करते हैं इसके अलावा डीलर परिषदों या फिर व्यापार संघों यानी कि आप एक तरीके का डीलर काउंसिल बना सकते हैं डीलर ट्रेड एसोसिएशन बना सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल बना सकते हैं जिसमें कि आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को सेट कर सकते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन एक बार तय हो जाएंगी तो सारे के सारे डीलर और ट्रेड के लोगों को उसका फॉलो करना होगा सुपीरियर लक्ष्य बना सकते हैं सुपीरियर गोल सेट कर सकते हैं जो कि कॉमन गोल होना बहुत ज़रूरी है आपका जितने भी बिचौलिए आपके साथ जुड़े हुए हैं जिन जिनके बल पर आपका सामान आपके उपभोक्ताओं पहुंच रहा है वो एक लक्ष्य को एक्सेप्ट करें और उस लक्ष्य को फॉलो करें ताकि सही इमेज उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकें नियमित संचार होना बहुत जरूरी है जितना कम्युनिकेशन का गैप हो जाएगा बातचीत का वार्तालाप का आपस में गैप जितना बढ़ता जाएगा उतना कन्फ्यूजन बढ़ सकता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपकी जितने भी बिचौलिए हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं आपके उपभोक्ताओं तक आपके सामान को पहुँचाने में वो किसी भी तरीके से गलत कन्फ्यू किसी भी तरीके के गलत धारणा में ना हो कोई कन्फ्यूजन उनको ना हो जिसकी वजह से वो गलत इमेज हमारे उपभोक्ता के सामने प्रलक्षित ना कर दें तो आपको संचार की ज़रूरत है नियमित संचार नियमित वार्तालाप की ज़रूरत है आपको टाइम टू टाइम उनसे बात करनी चाहिए टाइम टू टाइम उनके साथ में डिस्कशन मीटिंग्स करनी चाहिए इसके अलावा दूसरा आपका जो अहम कहा जाता है कानूनी प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया पर भी आपको बहुत आ, मदद मिल सकती है बहुत सारे लीगल प्रोसीजर हैं लीगल डॉक्यूमेंटेशन है ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि बाध्य कर देते हैं आपके होलसेलर और रिटेलर को कानून को फॉलो करने के लिए और अगर कोई भी इस कानून के हिसाब खिलाफ जाता है तो वो सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होगी अगर इस तरीके का कानूनी दरपेश भी बीच में आ जाता है तो उससे भी होल आपके काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं रिटेलर कंट्रोल में आ जाते हैं और आप आप बहुत हद तक ये भी समझ पाते हैं कि किस तरीके से इस रिश्ते को बेहतर तरीके से हम बनाए बनाए रख सकते हैं उचित मूल्य निर्धारण करना आप बहुत हद तक ये भी कोशिश कर सकते हैं कि फेयर प्राइजिंग रखी जाए जैसे कि अगर होलसेलर कुछ दाम बढ़ाता है तो रिटेलर के पास कितनी कितना स्कोप है पैसे बढ़ाने का इस तरीके की फेयर प्राइजिंग का आप पहले से सिस्टम तय कर सकते हैं कई बार कंपनियाँ अपने जो सेलिंग प्राइज़ है उसमें वो सारी चीज़ें पहले से ही जोड़कर वो बाज़ार में बेचती है अगर मान लीजिए कोई को अगर कोई चिप्स का पैकेट आपको दस रुपये का बाज़ार में मिल रहा है तो वो होल सेलर को बहुत जाहिर सी बात है चार रुपये का पड़ रहा होगा जिसके जिसने उसे चार्ज किया होगा सात रुपये का अपने रिटेलर से रिटेलर ने उसमें और दस रुपये जोड़ करके आपसे चार्ज किया उपभोक्ता से चार्ज करेगा यानी कि हर लेवल पर तीन तीन रुपये की बढ़त होगी इस तरीके से लोग अपने पैसे को सेट कर सकते हैं तो उचित मूल्य का निर्धारण करना किसके बा किसके द्वारा निर्माता के ही द्वारा निर्माता ने ही अपने जो पैकेजिंग करी है उस पैकेजिंग पर ही दस रुपये लिख दिया इससे और अपने जो थोक विक्रेता है उसे चार रुपये में बेचा और थोक विक्रेता के पास में स्कोप है तीन रुपये का और जब सात रुपए का रिटेलर खरीदेगा तो वो अपने उपभोक्ता से आसानी से दस रुपए में बेच सकता है जिससे कि उसे तीन रुपए का मार्जिन यहां पर मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में कुछ चुनौतियां हैं कुछ समस्याएं हैं उन चुनौतियों को भी समझ लेते हैं कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वितरण करते हैं एक सामान का दूसरी जगह तो कई बार मौसम की जो बदलाव है वो बहुत हद तक आपके लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का मसौदा बन जाते हैं आपके लिए मुश्किल हो जाता है मौसम की बदलाव को वो झेल पाना और सही समय पर सामान को सही जगह तक पहुँचाने में तो कई बार कच्चा सामान आपका सही समय पर नहीं पहुँच पाता है कई बार आपका कच्चा सामान बारिश की वजह से या फिर बहुत तेज़ गर्मी की वजह से या फिर एकदम आपका जो ट्रैफिक जाम की वजह से वो फंस गया और ख़राब हो गया तो बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ सकता है जिसमें सबसे पहला आ जाता है प्राकृतिक व्यवधान जिसमें कि मौसम एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है उसके अलावा आता है परिवहन परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जैसे कि हमने बताया ट्रैफिक का एक कारण हो सकता है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा नहीं है जिस शहर में आप रहते हैं जहां से आप सामान दूसरी जगह तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है रख रखाव में प्रॉब्लम आती है कोई दुर्घटना होने की एक संभावना भी हो जाती है साथ ही ये आपका सामान सही समय पर ना पहुंच पाए या ये भी हो सकता है कि फ्लाइट का सही समय पर टेक ऑफ ना हो पाया हो मौसम के बदलाव के कारण या फिर और अन्य कारणों के कारण जिसकी वजह से सही सामान सही जगह पर ना पहुंच पाए आर्थिक चुनौतियों में मंदी भी एक कारण हो सकता है अचानक गिरावट वृद्धि उपभोक्ताओं की मांग और बाज़ार की मांग में गिरावट बढ़त घटत ये भी एक शामिल एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप सही समय पर अपने सामान का वितरण ना कर पाएँ तो कई बार कंपनियाँ इन सारी संभावनाओं को पहले से ही इसका अनुभव करके रखती हैं उनका उनका मूल्यांकन करके रखती हैं कि इस तरीके की, की समस्याएं हो सकती हैं जब हम बाज़ार में अपने सामान का वितरण करेंगे तो वो मार्जिन ले चलती है कंपनियाँ हमेशा कोशिश करती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन ले चले और किसी भी हालत में हमारे सामान की उपलब्धता उपभोक्ता तक पहुँचानी है हमें तो कंपनियाँ इन चीज़ों के वजह से ये सारी चीज़ें तो है ही सबको पता ही है कि इस तरीके की समस्याएँ बाज़ार में आ सकती हैं जब हम अपने सामान की उपलब्धता को पहुँचाने जाएंगे या उसका वितरण करेंगे तो हमें क्या करना है कि इन चुनौतियों का हमें अच्छी तरीके से सामना करना है ताकि हमारी उपलब्धता में कोई कमी ना आए हमारे उपभोक्ता तक हमारा सारा सामान सही समय पर सही जगह पर पहुँच जाए आगे समझते हैं वितरण प्रबंधन के कुछ तत्व हैं वो कौन कौन से तत्व हैं उन्हें समझते हैं जैसे कि एक पारंपरिक तत्व है पारंपरिक तत्व में हमारा आता है आपूर्ति श्रृंखला यानी पारंपरिक तत्व यानी हम जो ट्रेडिशनल तरीका है जिस तरीके से सामान सप्लाई होता है जिसे हम बोलते हैं आपूर्ति श्रृंखला आपूर्ति श्रृंखला में आपका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ तक पहुँचता है प्रोड्यूसर तक पहुँचता है प्रोड्यूसर क्या करता है उसका प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के पास जैसी पहुँचता है तो वो उसका प्रोडक्शन शुरू कर देता है प्रोडक्शन में उसका हम जैसे बोलते हैं उत्पादन प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब उत्पादन हो जाता है जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो जाता है तब यहाँ पर वो अपने वेयर हाउस पर उसे लेकर के जाता है वो अपने वेयरहाउस में उसे रखता है जब अपने वेयरहाउस में उसे रखता है तो यहाँ से वो किसके पास जाता है होलसेलर्स के पास में जाता है वो आपके जो होलसेलर हैं उनके पास में वो सामान जाएगा होलसेलर से रिटेलर के पास में जाएगा रिटेलर से फिर आपके वो कस्टमर के पास में जाएगा तो ये पूरा एक हमारी जो श्रृंखला किसकी बन जाती है सप्लाई चेन की बन जाती है ये हमारा पूरा एक सप्लाई चेन का एक सिस्टम कहलाता है जहां पर कच्चा सामान से लेकर के अंतिम उत्पादन का वितरण पूरी की पूरी लाइन आपकी अगर आती है रॉ मटेरियल से आपका जो रॉ मटेरियल है रॉ मटेरियल से लेकर आपका जो फिनिश गुड तैयार हुआ है फिनिश गुड तैयार होकर जो आपके उपभोक्ता हैं जो कंज्यूमर हैं उन तक सामान को पहुंचाना बीच में आपका प्रोड्यूसर है बीच में आपका होलसेलर भी हो सकता है रिटेलर भी हो सकता है ये सारे लोग बीच में आ सकते हैं मगर जब आपका फिनिश गुड तैयार हो रहा है तो ये आपका यहाँ पर आपका प्रोड्यूसर है जब फिनिश गुड के बाद में जो उपभोक्ता तक पहुंचता है तो यहाँ पर हो सकता है कि होलसेलर आ जाए यहाँ पर हो सकता है कि रिटेलर बीच में आ जाए और ये भी हो सकता है कि ये दोनों ना आए डायरेक्ट प्रोड्यूसर अपना सामान आप तक बेचे अपने खुद के आउटलेट के ज़रिए तो ये आपूर्ति श्रृंखला है जिसे सप्लाई चेन कहा जाता है इसके अलावा आता है लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक का जो काम शुरू होता है वो असल में शुरू होता है फिनिश गुड बनने के बाद यानी कि जब आपका सामान तैयार हो गया यहाँ पर यहाँ से शुरुआत होती है लॉजिस्टिक की जब आपका सामान तैयार हो गया यहाँ से आप शिपमेंट करते हैं उसका अपने डिफरेंट होल सेलर के पास में या फिर रिटेल आउटलेट्स के पास में या फिर आपका खुद का कंपनी ओन कंपनी के द्वारा ओन्ड अगर कोई आउटलेट है रिटेल आउटलेट है तो वहाँ तक उस सामान को पहुँचाया जाता है तो वो लॉजिस्टिक्स में आ जाता है जब सप्लायर जो है सप्लायर आपका रॉ मटीरियल को जो उसके लिए रॉ मटीरियल है हो सक क्योंकि हो सकता है वो सप्लायर बी टू बी बिजनेस में डील करता हो उसके लिए रॉ मटेरियल वो रॉ मटेरियल आपके दूसरे उद्योगपति के पास पहुंचाता है तो ये सामान जो पहुंचाने की प्रक्रिया है ये किस में आती है लॉजिस्टिक्स में आती है सप्लाई चेन में ये पूरी प्रक्रिया आ जाती है खरीद आदेश और चालन प्रणाली खरीद आदेश और चालन प्रणाली में हमारे क्या आता है है कि हम ये देखते हैं कि आप जैसे ही आपको दिखता है कि आपकी ज़रूरत का सामान बाज़ार में उपलब्ध है तो आप क्या देते हैं ख़रीदने का उसे आदेश देते हैं यानी कि आप अपना ऑर्डर दर्ज कराते हैं और उसे खरीदने की इच्छा जताते हैं आप ये किसे जता रहे होते हैं ख़रीदने की इच्छा हो सकता है कि आप अगर बी बिजनेस में हैं तो बी टू बी बिजनेस में एक उद्योगपति दूसरे उद्योगपति से अपनी इच्छा जता सकता है कि आपका जो रॉ मटेरियल हमारे लिए आपका जो फिनिश गुड है वो हमारे लिए रॉ मटेरियल हम आपसे ख़रीदना चाहते हैं आप उसे कहते हैं कि हमें इतनी क्वांटिटी में चाहिए इतने हज़ार टन में चाहिए उसके बाद जब वो ख़रीद पूरी हो जाती है तो इन्वाइस सिस्टम से बिल जनरेट किया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इतना दाम आपको देना है जिसमें जी एस आपकी सारी चीज़ें उसमें लगी हुई होती हैं तो ये हो गया एक हमारा पारंपरिक तत्व यानी कि एक ट्रेडिशनल सिस्टम जिसके द्वारा वितरण किया जाता है सप्लाई चेन में हम देखते हैं रॉ मटेरियल से कैसे उत्पाद तैयार हो रहा है फिनिश गुड तक जा रहा है फिर फिनिश गुड के बाद वो किस तरीके से उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है कि पूरी की पूरी श्रृंखला किस में आ जाती है हमारी सप्लाई चेन में आ जाती है अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें तो लॉजिस्टिक में हम फिनिश गुड को वो तो अपने उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का काम करते हैं या फिर एक बी टू बी बिजनेस में जो हमारा एक उद्योगपति है जब वो अपना फिनिश गुड तैयार कर लेता है तो वो दूसरे उद्योगपति तक अपने सामान को पहुँचाने के लिए जिसके लिए वो रॉ मटीरियल है उस प्रक्रिया को भी हम लॉजिस्टिक में लेते हैं हैं. जब भी हम खरीद की इच्छा दर्ज कराते हैं तो हम अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमें वहां से इनवाइस मिलती है इसके बाद आते हैं आजकल के जो उभरते हुए तत्व हैं जो आजकल के इमर्जिंग एलिमेंट्स हैं जैसे कि ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन के जरिए बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो चुका है आप बड़े आसानी से जान सकते हैं कि आपका उत्पाद इस वक्त कहाँ पर फंसा हुआ है वो होलसेलर के पास फंसा हुआ है कि रिटेलर के पास में है कि उपभोक्ता के तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है तो आप पूरी श्रृंखला को देख सकते हैं कि आपका उत्पाद अभी है कहाँ पर आप अगर कच्चा सामान अपने सप्लायर से ले रहे हैं तो कच्चा सामान सप्लायर से शिप होने के बाद आ, आप आपके वेयर हाउस पर इन्वेंट्री पर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है आपकी जहां पर इन्वेंट्री आप करते हैं रॉ मटेरियल की वहां पर आया कि नहीं आया वहां से वो प्रोडक्शन यूनिट पे गया कि नहीं गया तो ये ब्लॉकचेन के जरिए आप पूरी सिस्टम को बड़ा ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं और क्लियर बना सकते हैं और इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से आपके टाइमली ऑर्डर और टाइमली पेमेंट हो जाते हैं जिससे कि आपका आपूर्तिकर्ता खुश हो जाता है आपका थोक विक्रेता खुश हो जाता है और आपका उपभोक्ता खुश रहता है क्योंकि सही समय पर सारी चीज़ों की उपलब्धता बनती रहती है इसके बाद आता है विक्रेता संबंध प्रबंधन ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने वेंडर के बहुत ज़्यादा इन्वालमेंट को एकदम ज़ीरो कर सकते हैं या फिर अगर आपको वेंडर से कुछ जानकारी लेनी है तो सिर्फ उस जानकारी के लिए आप अपने वेंडर से संपर्क साध सकते हैं तो ये भी एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हमारा उपभोक्ता को हम सेवा प्रदान कर सकते हैं जिसमें वो चाहता है कि हमें वेंडर हम का ज़्यादा इन्वॉलमेंट ना हो वेंडर ज़्यादा अपनी बातचीत ना करे हमें उसकी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है तो आप उसे ज़ीरो डाउन कर देते हैं अगर आप कुछ सवाल अपने वेंडर से पूछना चाहते हैं तो सिर्फ वही ही सवाल आप अपने वेंडर से पूछ सकते हैं वेंडर सिर्फ उसी बात का ही जवाब आपको देगा ग्राहक संबंध प्र, प्रबंधन ये एक तरीके का दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए उपभोक्ता के साथ में रिश्ते स्थापित करने की कोशिश की जाती है इसमें जाना जाता है कि उपभोक्ता की आफ्टर सेल सर्विस आफ्टर परचेजिंग उसका बिहेवियर कैसा है खरीदने के बाद वो कितना खुश है खरीदने के बाद उसके अंदर कितना डिसेटिस्फैक्शन है किस कारण से वो दुखी है उसको समस्याओं को हम कैसे समाधान दे सकते हैं ये ग्राहक संबंध प्रबंधन सॉफ्टवेयर के ज़रिए निर्माता बहुत हद तक अपने उपभोक्ताओं के बारे में जानकारी इस इसके द्वारा केंद्रित करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि सूची प्रबंधन प्रणाली जिसके द्वारा आप समझ पाते हैं कि आपके पास सही रॉ मटेरियल का स्टॉक है या नहीं है या कहीं ऐसा तो नहीं आपका स्टॉक ज़ाया बेकार हो रहा हो सड़ रहा हो खराब हो रहा हो तो इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली, प्रणाली सॉफ्टवेयर के जरिए आप आसानी से जान पाते हैं कि आपकी इन्वेंट्री का स्टेटस क्या है आपकी इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक पर्याप्त है या पर्याप्त स्टॉक नहीं है वो जानकारी आपको बहुत हद तक मदद करती है अपने स्टॉक का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने में उसके बाद आता है गोदाम प्रबंधन प्रणाली वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पर आप अपने वेयरहाउस में जो फिनिश गुड रखा हुआ है या जो रॉ मटेरियल रखा हुआ है वो किस तरीके से वितरित हो रहा है टाइम टू टाइम वो अपने शिपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है थोक विक्रेता वहाँ से लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा है इसका भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप बहुत आसानी से ये क्लियर कर सकते हैं कि आपके गोदाम में कहीं ऐसा तो नहीं है अंतिम प्रोडक्ट बन तैयार रखा हो और वो सही समय पर अपने आपके उपभोक्ताओं तक ना पहुँच रहा हो परिवहन प्रबंधन प्रणाली से आपको पता चल जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आपका जो सामान है वो सही समय से सही तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपको मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन करते समय अपने उत्पाद की एक उचित टेम्परेचर पर रखना ज़रूरी है अगर आपने उस उचित टेम्परेचर पर उसे नहीं रखा तो वो ख़राब हो सकता है सड़ सकता है तो वो ट्रांसपोर्टेशन के अगर जो सॉफ्टवेयर है वो हमें बहुत हद तक मदद करता है ये समझने में कि सही मात्रा का मात्रा यात्रा में हमारा सामान सही जगह पर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है उसका सही टेम्परेचर रखा गया कि नहीं रखा गया तो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम से बहुत हद तक आप ट्रैफिक वाले इशू एक्सीडेंट जैसे इशू डिले इन ट्रांसपोर्टेशन वाले इशू को कंट्रोल कर सकते हैं आशा करते हैं आपको आज का अध्याय पूरी तरीके से समझ में आया होगा और आप जान पाए होंगे कि वितरण प्रबंधन कितना प्रभावशाली है या किस तरीके से सेवाएं प्रदान करता है अपने निर्माताओं को थोक विक्रेता किस तरीके से, तरीके से सेवा प्रदान करता है अपने खुदरा विक्रेता को और खुदरा विक्रेता किस प्रकार की सेवाएँ प्रदान करता है अपने उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के बिचौलियों के बारे में जानकर आपने ये भी समझा होगा कि निर्माताओं को कैसी कैसी रणनीतियाँ बनानी होती हैं किस तरीके से कन्फ्लिक्ट का मैनेजमेंट करना होता है कैसे से कैसे कैसे वो कारणों को पता लगाते हैं किस तरीके से उन कारणों का सुझाव दे कर के वो अपना एक अच्छा रिश्ता इस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं विभिन्न बिचौलियों के साथ में और अपने उपभोक्ताओं के साथ में बहुत सारे ऐसे पारंपरिक तरीके हैं वितरण के बहुत सारे ऐसे नए तरीके हैं इमर्जिंग तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने सेवाओं को बेहतर और सुचा बेहतर कर सकते हैं और सुचारू रूप से संचालित करके रख सकते हैं आने वाले बदलते युग के हिसाब से आशा करते हैं आपको आज का अध्याय समझ में आया होगा अधिक अध्ययन के लिए आप इन किताबों का भी चयन कर सकते हैं आज के लिए धन्यवाद